हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के मेरे इस वीडियो में मैंने क्रिएट किया है ये वाला लुक, जो कि है हैवी काजल एंड हैवी आईलाइनर के साथ। एंड अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेकअप के लिए, तो आप इजीली ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो। ये जो लुक है ये इंडियन वेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ओके, देन विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है, मैंने बेस के लिए यूज़ किया है लैक्मे का 925 सीसी क्रीम, और इसको मैं अपने फिंगर्स के ही हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अपने थोड़े से जो भी अंडर आईज पे जो भी डार्क सर्कल्स हैं उसको कवर अप करने के लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का कंसीलर, एंड वो भी बहुत मिनिमम क्वांटिटी में अप्लाई किया है। एंड इसको मैं एक स्पंज के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर को सेट करने के लिए लिया है मैंने शुगर का बनाना पाउडर, और इसी पाउडर के साथ ये आता है एक छोटा स्पंज, जिसके हेल्प से मैं कंसीलर को सेट कर लूँगी। आईब्रोज के लिए मैंने लिया है लॉरियल का ब्रो आर्टिस्ट आईब्रोज पैलेट, और इससे मैं एक एंगल ब्रश के हेल्प से अपने ब्रोज को अच्छे से फिलअप कर लूँगी। मैंने आई शैडो में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं अप्लाई किया है। मैं मेकअप रेवोल्यूशन के इस पैलेट से लूँगी ये डार्क ब्राउन शेड, और इसको अप्लाई करूँगी अपने क्रीज एरिया पे, ताकि एक डायमेंशन मिल जाए आपके आईज़ को। एंड इसको एक स्मॉल फ्लफी ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आईलाइनर के लिए लिया है मैंने मेबलिन का द कोलोसल बोल्ड आईलाइनर, एंड इस आईलाइनर से मैं एक लॉन्ग विंग क्रिएट करूँगी अपने आईज पे, और थोड़ा थिक आईलाइनर अप्लाई करूँगी, क्योंकि इसमें और हमें आईज के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, सिर्फ आईलाइनर एंड काजल का लुक है, तो अपने लाइनर को मैं थोड़ा थिक रखूँगी। ये देखिए, थोड़ा विंग को हाई लेकर जाना है आईब्रोज की तरफ, एंड सेम वे में मैं अपने सेकेंड आई के ऊपर इसको अप्लाई कर लूँगी। ओके, काजल के लिए मैंने लिया है लैक्मे का आइकॉनिक काजल, इसको मैं अपने वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी, लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। काजल को भी आपको थिक अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे थिक अप्लाई किया है। एंड मस्कारा के लिए मैंने लिया है मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, अपने फेस को एक डायमेंशन देने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है शुगर का ये थ्री इन वन पैलेट। इसमें से मैं ब्रॉन्जर लेके अपने अपने चिक्स पे अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा कि आपके फेस को एक डायमेंशन भी मिल जाएगा, एंड बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं लगेगा आपका फेस। एंड ब्लश के लिए मैंने सेम पैलेट में से ब्लश लेके अप्लाई किया, एंड हाइलाइटर भी मैंने इसी पैलेट में से अप्लाई किया, बट जो तीनों प्रोडक्ट्स है उसको बहुत कम क्वान्टिटी में अप्लाई किया है, ताकि बहुत ओवर ना लगे।
लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का ये एक न्यूड शेड, मुझे शेड नंबर याद नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अभी। तो अगर आप बहुत बोल्ड आइज रखते हो, बहुत हैवी काजल और लाइनर लगाते हो, तो आप ट्राई कीजिए कि अपने लिप्स को न्यूड रखो। तो ये बहुत न्यूड शेड है और बहुत सुंदर लगता है ऐसे आई मेकअप के साथ। तो लिप्स पे मैं लगाने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का ये न्यूड शेड। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये लुक अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।